myself शिल्पा एजुकेशन मार्ट से. सो आज मैं आपके लिए क्लास फिफ्थ में जो लेके आई हूँ वीबीए की, दैट इज कॉल्ड रेंज. देखिए, आपने अब तक जो काम किया है मेरे साथ वीबीए के सेशंस में, उसमें अभी तक आपने क्या किया है, इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, आप सिर्फ इसी पे आंसर और क्वेश्चन पुट कर पा रहे हैं. लेकिन बेसिकली ऑटोमेशन क्या होता है, वीबीए एक्सेल पे वर्क करवाना. आप चाहेंगे मैं कुछ भी काम करूं, मेरा आंसर आया. लेट्स से मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, अगर मैंने बोला मेरा नाम शिल्पा, वहां पे आंसर आया, तो अभी वो कहां शो करता है आपको, मैसेज बॉक्स में. तो मैं चाहती हूँ वो मैसेज बॉक्स में ना आए, वो मेरी एक्सेल शीट पे आए. क्योंकि बेसिकली हमें काम कहां कराना है, ऑटोमेशन हमें कहां करना है, हमें कहां करना है गाइस, एक्सेल पे. तो एक्सेल पे काम कैसे होगा, वो होता है रेंज और सेल्स के थ्रू. तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं कवर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है VBA कोडिंग का, जिसके थ्रू आप अपनी एक्सेल शीट पे काम कर पाएंगे, सेल्स में वर्क कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेंज. सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक पे जा रही हूँ, अपने कोडिंग सेक्शन पे, मॉड्यूल पे. तो यहाँ अभी तक आपने जो मुझसे सीखा है वो क्या सीखा है, इनपुट बॉक्स डायमेंशन लेना, लाइक ए बी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स में कोई आंसर आ जाए. तो अब हम वही चीज को अपनी एक्सेल शीट से कन्वर्ट करने वाले हैं. तो जो आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो क्या है, दिस रेंज डॉट सेलेक्ट, रेंज डॉट वैल्यू, रेंज डॉट कॉपी, रेंज डॉट पेस्ट स्पेशल. तो अब कभी भी आप अगर गाइस मुझे लिखना हो कि मेरी A1 से लेकर A10 तक सेल सेलेक्ट हो, तो आप कैसे लिखेंगे, रेंज ब्रैकेट में, यहां पे ब्रैकेट में आपको वो रेंज लिखनी होती है, मीन्स अपने सेल नंबर, बट वो आते हैं इन्वर्टेड कॉमा में. किस तरीके से, A1 टू A10 और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. अब यहां पे आपने क्या किया है, अपनी एक रेंज को सेलेक्ट किया है कि A1 टू A10. अब इसके बाद आपने इसको क्या कमांड देनी है वो लिखना होगा. इट मींस आप उस रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप उस रेंज को कॉपी करना चाहते हैं, आप उस रेंज पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उस रेंज पे कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं. लेट्स से मैं उसको सेलेक्ट करना चाह रही हूं, तो यहां क्या कर दूंगी मैं इसकी जगह, डॉट सेलेक्ट. अगर यहां पे डॉट सेलेक्ट की जगह मुझे नेक्स्ट करना होता, तो मैं यहां पे क्या कर देती, सेम कॉन्सेप्ट में रेंज अगेन A1 टू A10, फिर इसके बाद यहां पे मैं क्या कर दूंगी, डॉट वैल्यू. इट मींस अगर मुझे A1 टू A10 में वैल्यू फिल करानी है, लेट्स से मैं चाहती हूं A1 टू A10 में 100 100 आ जाए, तो वहां पे ये काम हो जाएगा डॉट वैल्यू से. डॉट कॉपी का मतलब आपको पता होगा, कॉपी क्या करेगा, किसी चीज को कॉपी कर लेगा और पेस्ट स्पेशल पेस्ट कर देगा. सो आज ये चारों चीजें मैं कवर करूंगी, हम इसे यूज कैसे करते हैं. तो चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगी, लेट्स से मेरे A1 सेल में मैं लिख रही हूं यहाँ पे 2000. तो यहाँ पे जब गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 2000. अब मैं चाहती हूँ मेरे बी वन सेल में ऑटोमेटिक 2000 का मल्टीप्लाई आ जाए 6000, एंड सी में भी मल्टीप्लाई आ जाए B1 के मल्टीप्लाई का, लाइक 6000 मल्टीप्लाई 2 तो 12000. तो ये कोडिंग कैसे बनेगी वो बनाने वाली हूं आज मैं. सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, सब demo1 हमने नाम दे दिया अपनी कोडिंग को. अब हम यहां पे एक डायमेंशन खोलने वाले हैं, डेम AB एज इंटीजर. मैंने इंटीजर खोला है बिकॉज मेरा वैल्यू छोटा है 32000 से, तो मैं इंटीजर पे काम कर सकती हूँ. अब मैं कह रही हूँ AB मेरा क्या होगा, तो AB मुझे क्या लेना है गाइस, AB मेरा क्या होने वाला है, A1 सेल नंबर. ध्यान से सुनिएगा, AB मेरा क्या होगा, A1 सेल नंबर. तो यहां मैं क्या कहूंगी इसे कि AB इक्वल टू रेंज इन्वर्टेड कॉमा में A1 ब्रैकेट डॉट वैल्यू. इसका मतलब हो गया जो मेरा AB है, जो A1 की वैल्यू है ना वो है. अब AB में मैंने 2000, रेंज A1 में मैंने 2000 लिखा हुआ है, तो AB क्या हो गया मेरा 2000. अगर मैं A1 को चेंज कर दूंगी तो मेरा AB अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. चलो नेक्स्ट बात करते हैं. मैंने वैल्यू तो पिक कर ली, इट मींस AB क्या हो गया मेरा इस समय 2000. अब मुझे क्या करना है, मुझे आंसर लाना है. आंसर कौन से सेल में लाना है मुझे इस टाइम गाइस, B1 सेल में. तो अगेन मैं यहां पे क्या लिखूंगी, रेंज इन्वर्टेड कॉमा में B1 डॉट वैल्यू. मुझे यहां पे क्या वैल्यू, अब मुझे B1 में आंसर क्या करना है, B1 इक्वल टू किसके हो, रेंज A1 के मल्टीप्लाई 2. तो रेंज A1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, AB मल्टीप्लाई 2. क्यों, क्योंकि AB मेरा रेंज A1 ही तो है ना.
A1 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मींस 2000 मल्टीप्लाई 2. तो अब इसी तरीके से मैं लिख रही हूं रेंज C1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, अब C1 में मैं क्या चाहती थी, B1 की मल्टीप्लाई वैल्यू. तो यहां पे मुझे AB यूज नहीं करना, यहां पे मैं क्या यूज करूंगी, रेंज P1 सेल डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई लेट्स से 5, हमने 5 ले लिया, हम छोटा कर देते हैं 4 ताकि 32000 से ऊपर ना जाए क्योंकि मैंने इंटीजर लिया हुआ है. तो इस तरीके से अगर आप स्टेप करते हैं, और अब मैंने कहा मेरा कोड ओके, हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, हम वो कर देते हैं B1 दिस दैट परफेक्ट. अब ये मेरा कोड बन गया है यहाँ पे इट्स. तो देखिए जब जब आपका एरर होगा तो वो आपको बता देगा कि आपने ब्रैकेट या सेपरेटर कुछ यूज नहीं किया. तो यहाँ पे मेरा ये कोड बन चुका है, अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं. सबसे पहले हम डीबगिंग करते हैं कि हमारी किसी स्टेप में मिस्टेक तो नहीं है. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कोड. तो आप मेरी दोनों स्क्रीन पे अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर रही हूँ अपने स्टेप्स को चेक करने के लिए. देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, A1 की वैल्यू उठाई उसने, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 2000, क्योंकि मेरे A1 की शीट में क्या लिखा हुआ है, A1 में 2000. B1 आप देख सकते हैं, B1 में क्या कर दिया उसने, नेक्स्ट स्टेप AB मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2000 मल्टीप्लाई 2 4000. देन मैंने C को करा, C1 की वैल्यू उसने क्या दे दिया गाइस, 16000. तो आप ये देख सकते हैं रेंज से मैंने कितनी ऑटोमेटिकली अपनी चीजें कैलकुलेट कर ली, और मुझे किसी के सामने या ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा ना कुछ. यहाँ पे मैं चाहूँ तो कितना काम छुपा के अपनी कोडिंग से काम कर सकती हूँ बहुत ही इजीली. अगर मुझे मेरे ये जूनियर्स को देना है बटन बना के तो मेरा कितनी इजीली काम होगा. अब मैं आपको फाइनल शो करती हूँ यहाँ पे. लेट्स से मैंने कोडिंग बंद कर दी है, हम ये कोडिंग यहाँ पे विजुअल बेसिक की कर देते हैं बंद. सो मैंने क्रॉस कर दी है, ओके कर दिया. लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी अब की बार 3500. अब अपडेट कर दिए, मुझे यहाँ पे काम अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गो टू इंसर्ट टैब, ड्रॉ शेप, एक शेप ड्रॉ कीजिए. शेप ड्रॉ करने के बाद इस पे एज यूजुअल आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में असाइन मैक्रो, और मेरे असाइन मैक्रो का नाम क्या था, मैं ले लेती हूँ बुक 1 का डेमो 1. मेरा डेमो 1 है यहाँ पे, मैंने काफी सारी वर्कबुक खोली है तो मेरी बुक का नाम बुक 1 है, उसका डेमो 1 और ओके. एंड इफ आई चेक इट अगेन, सी मेरी वैल्यू चेंज हो चुकी है 7000 28000. सो इस तरीके से आप रेंज का यूज कर सकते हैं. चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. ये तो था हमारा वैल्यू. अब मैं यूज करने वाली हूँ सेलेक्ट कॉपी पेस्ट. तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप माइंड में सोचिए कभी आप कॉपी पेस्ट करने जाते हैं तो आपके स्टेप्स क्या रहते हैं. तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, सबसे पहला स्टेप आप एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप दूसरी लोकेशन पे जाते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज योर थर्ड स्टेप, एंड लास्ट आप उसको पेस्ट करते हैं. तो कितने स्टेप्स हो गए गाइस, 4 सेलेक्ट कॉपी सेलेक्ट पेस्ट. तो मैक्रो क्या होता है, स्टेप्स. आप जिस स्टेप पे काम कर रहे हैं उसी स्टेप पे आपको चलना होगा. अगर आपने सेलेक्शन नहीं लिया, लेट्स से मैं करती हूँ सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट, तो पेस्ट कहाँ करेगा वो, सेलेक्ट तो आपने किया ही नहीं ना, तो उसको पता ही नहीं एक्सेल में कहाँ पेस्ट करना है. तो आपको मैक्रो में एक एक स्टेप पे ध्यान देना है. तो चलिए लेट्स से मेरा ये डेटा है, मुझे इस डेटा को लेट्स से इसी शीट पे यहां पेस्ट करना है, किसी भी रेंज पे, लेट्स से D7 to हमें यहां पे पेस्ट करना है. तो हम किस तरीके से करेंगे, अगेन गो टू डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक कोडिंग खोलते हैं, और अब हम बना रहे हैं गाइस दूसरा कोड. तो लेट्स से हम इसे नाम दे देते हैं डेमो 2. एंड अब हम कोडिंग क्या बनाएंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब यहां मैं कोई डेमो यूज नहीं करने वाली हूं, देखिए AB, क्योंकि मुझे कोई वेरिएबल यूज नहीं करना है. यहां पे मैं डायरेक्ट काम करूंगी कैसे, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, रेंज, और ये बात ध्यान रखिएगा ये किसी भी शीट पे काम करेगी, पीछे किसी भी शीट को आपने खोला होगा उस पर सेम प्रोसेस होने वाला है. तो यहां पे मैं क्या कर रही हूं, रेंज, हमारी रेंज कौन सी है जो हमें करनी है, लेट्स से H22 इट्स I6, तो हम H22I6 को कर रहे हैं, H22I6 डॉट सेलेक्ट. पहले हमने उसे क्या कर दिया गाइस, देखिए सेलेक्ट ले लेते हैं हम यहां से नीचे, तो इट्स सेलेक्ट. देन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रेंज
सिमिलरली एच टू टू एच आई सिक्स को हम यहां पे कर रहे हैं डॉट कॉपी। अब कॉपी हो गया तो सेम हम क्या करेंगे, अब किस रेंज में आपको इसको रखना है, तो लेट्स से रेंज अगेन मैं ले रही हूं आपकी बार डी सेवन टू लेट्स से हम ले लेते हैं डी सेवन दिस वन टू ई टेन, तो हम ई टेन ले लेते हैं यहां पे ई टेन और इसे क्लोज करके अब यहां मैं क्या करूंगी पहले से सेलेक्ट करवाऊंगी इट्स सेलेक्ट। आप चाहें तो खाली डी सेवन भी लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे वाली रेंज को पेस्ट कर देगा। देन अगेन हम इसे यहीं से कॉपी कर लेते हैं फटाफट और यहां पेस्ट करके सिर्फ पीछे का हम क्या चेंज कर रहे हैं, अब यहां पे यूज करना है आपने पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल किस लिए यूज होता है, पेस्ट करने के लिए। अब अगर मैं इस पूरी कोडिंग का आपका वर्क दिखाऊं तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पाएंगे, लेट्स सी हम चेक करते हैं अपना कोड, तो इसे मैं और छोटा करती हूं एंड सी। सबसे पहले मैंने यहां पे किया एफ ए फर्स्ट स्टेप, देन सेलेक्ट वाला देखिए यहां पे सेलेक्ट किया उसने, इसे यहां से देखिए कॉपी हो गया मेरा कोड यहां पे। देन अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी डी सेवन में, देखिएगा सेलेक्ट किया उसने डी सेवन टू ई सिक्स ई टेन, देन उसने वहां पे उसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा मैम इसका यूज क्या है, बट गाइस जब आप एक कंपनी में कोडिंग बनाते हैं, लेट्स से मेरा एक बहुत बड़ा डेटा है वहां पे मुझे दिल्ली के एम्प्लॉयज को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के बाद डेली बेसिस पे डेटा इंक्रीज हो रहा है, आपको वहां से हाईलाइट करना है, हाईलाइट करके वहां से कट करके उन्हें दूसरी शीट पे पेस्ट करना है, और मैं चाहती हूँ ये प्रोसेस डेली अपडेट होता रहे, बटन पे क्लिक करें दिल्ली का डेटा उठे दूसरी शीट पे पेस्ट होता चला जाए, तो ये काम इसी कोडिंग से, तब आपको कॉपी पेस्ट स्पेशल यूज करना होता है। सो अभी ये छोटी छोटी कोडिंग्स पे हमें प्रैक्टिस करनी है, तब हम इन्हीं कोडिंग्स को मिला के एक बहुत बड़ी कोडिंग बनाते हैं। सो होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा, मेरी क्लासेस को देखते रहिए, कोई क्वेरी हो आप मुझे मेल पे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे रोज मेरी जो आगे की क्लासेस हैं और जो भी न्यू चीजें आ रही हैं आपको डेली अपडेट वहां पे मिलेगा। तो एजुकेशन मार्ट से आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए एजुकेशन मार्ट के नेम से, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे भी आपकी हेल्प के लिए मैंने बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की आपको मेरी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी वहां पे आपको। सो कीप वॉचिंग मी एंड फॉर नेक्स्ट क्लास में हम अगेन न्यू टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू, बाय।